हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 5 जनवरी को, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और जितने भी जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो 110% ऑथेंटिक होंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि 2019 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की थी। तो ब्रिक्स समिट 2019 की जो मेजबानी की थी वह ब्राजील देश ने की थी। और वो कब से कब तक हुआ था? तो 13 से 14 नवंबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। अच्छा, ये किस किसके बीच चली थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह ट्रेन बोरे बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो एकदम आप लोगों के लिए लड्डू क्वेश्चन हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। दिया किसने था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था और इनके बेटे राजीव गांधी ने भी इसका प्रयोग किया था। और इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पूरे साल बर्फ गिरती है, यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक पहुँच जाता है और अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड इसी तरह के रेगिस्तान है, यानी कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में मणिपुर को बढ़ावा देने के लिए एक भाग के रूप में हर साल राज्य में मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा संगाई महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमचारी, और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राति में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है, यानी कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली या माजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ईडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ईडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और ईडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, यानी कि उनकी घोषणा हो चुकी है लेकिन वो बाद में बनेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है और सुनीत शर्मा इससे पहले पूर्व रेलवे के महाप्रबंधन कर चुके हैं और वीके यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद सुनीत शर्मा को सीईओ और चेयरमैन बनाया गया है। किसके बाद बनाया गया है? तो वीके यादव के बाद बनाया गया है। अब तक हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखा था, अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं या फिर फेक हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है और ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि CAA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CAA की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्राई की जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यह एक एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि ये कहाँ स्थित है, तो कोलकाता, और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। और किसने बनवाया था? तो इसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था और इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। और इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? तो जो जड़त्व का नियम है वह न्यूटन का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक ये कल भी आया हुआ क्वेश्चन है या फिर कल हाथी दिवस आया था, तो दोनों का जो आंसर था वो था 12 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ला लीगा फुटबॉल मैच के 2020 में विजेता कौन थे? तो स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल लीग का जो चैंपियन था वो था रियल मैड्रिड। कौन था? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेट्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेट्स ऑफ सेफ्रन जो पुस्तक है उसकी लेखिका है सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था और अली बंधु में कौन कौन शामिल थे? तो वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने अपने पत्र कामरेड के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा होता है? तो पुंथुडू। पुंथुडू जिसे पुथुरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है और तमिल कैलेंडर पर वर्ष का पहला दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह स्थित है और कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर स्थित है और हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि UN के 8वें अध्यक्ष कौन थे? तो बान की मून UN के 8वें अध्यक्ष थे। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो 13 अक्टूबर 2006 को वे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8वें महासचिव चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 13 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो बृद्धेश्वर मंदिर या जिसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरू बुटेयार कोविल भी कहा जाता है और यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है। यह मैंने आप लोगों को 20 से 22 क्वेश्चन बताए हैं। किससे रिलेटेड बताए हैं? आप लोगों के जो RRB NTPC में आए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी ऑथेंटिक हैं, फेक नहीं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।